हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आरसी आर्ट। आज हम लोग थंबनेल में तो देख ही चुके हैं, उसी पिक को एडिट करेंगे। तो चलिए पिक ले लेते हैं गैलरी से। ये हमने गैलरी, ये वो पिक थी जिसको एडिट करना था। इसको हम लोग शेयर कर लेते हैं लाइट रूम में। यहाँ लाइट रूम है, चलिए अब लाइट रूम में चलते हैं। ये हमने लाइटरूम ओपन कर लिया, यहाँ पर वो वाला पिक आ चुका है। तो आइए इसको एडिट करते हैं। तो ये हमारी पिक ओपन हो चुकी है। अब हम लोग सबसे पहले जाएंगे कलर टूल्स में। कलर टूल्स में जाने के बाद ऊपर जो मिक्स वाला आइकन है उसमें जाएंगे। मिक्स वाला आइकन में जाने के बाद ये जो ऑरेंज कलर है इसमें जाएंगे। ऑरेंज कलर में जो ह्यू है उसको जीरो ही छोड़ देंगे, सेचुरेशन भी जीरो ही छोड़ देंगे। जो लुमिनस है उसको बढ़ाएंगे, लुमिनस से ही हमारी स्क्रीन में ब्राइटनेस आता है। ये देखिए, लुमिनस को पूरा 100 कर देंगे। लुमिनस को 100 करने के बाद अब येलो टूल्स में जाएंगे। येलो टूल्स में जाने के बाद जो ह्यू है उसको -100 कर देंगे और सेचुरेशन है उसको भी कर देंगे -100। और जो लुमिनस है इसका उसको कर देंगे -21 या 30 के अंदर ही कर रखना है। -21 हम लोग कर देते हैं। -21 करने के बाद अब हम लोग ग्रीन टूल्स में जाएंगे। ग्रीन टूल्स में जाने के बाद जो ह्यू है उसको कर देंगे -100 और जो सेचुरेशन है उसको भी कर देंगे -100 और जो इसका ल्यूमिनेंस है उसको कर देंगे -29। अब ब्लू वाले टूल्स में जाएंगे। ब्लू वाले टूल्स में जाने के बाद इसमें जो ह्यू है उसको कर देंगे -60। ह्यू को कर देंगे -60। उसके बाद जो सेचुरेशन है उसको पूरा 100 कर देंगे। जो ल्यूमिनेंस है उसको कर देंगे 32 32 32। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद टेम्परेचर वाले टूल्स में, तो टेम्परेचर को हम लोग को 5 से ज़्यादा रखना है और 10 से कम रखना है, तो हम लोग इसको 7 रख लेते हैं। और इसमें वाइब्रेंस को भी सेम कर देंगे, वाइब्रेंस को भी 7 कर देते हैं। वाइब्रेंस को 7 करने के बाद अब हम लोग जाएंगे लाइट वाले सेक्शन में। यहाँ से लाइट वाले सेक्शन में आ गए। एक्सपोजर को हम लोग रख देते हैं 40 रख देते हैं एक्सपोजर। और इसमें से जो कॉन्स्ट्रैक्ट है उसको -30 कर देते हैं। ये -30 हो चुका है। और हाइलाइट्स को भी 23 कर देते हैं। और शैडो को 16 कर देते हैं। और वाइट्स को कर देते हैं -18। वाइट्स को -18 करने के बाद जो ब्लैक्स है उसको कर देंगे 30 30। करने के बाद अब हम लोग जाएंगे इफेक्ट टूल्स में। इफेक्ट टूल्स में आने के बाद टेक्सचर जो है उसको कर देंगे -30। क्लियरिटी को कर देंगे -10। डीएच को कर देंगे -5। विजिनिटी इसको कर देंगे -65 या 63 कर देते हैं, 63 छोड़ देते हैं। मिड पॉइंट को कर देंगे 46। और फेदर को कर देंगे 43। और राउंडनेस को कर देंगे -22। और हाइलाइट्स को कर देंगे 15। हाइलाइट्स को 15 करने के बाद अब ऊपर ये हमारा फोटो एडिट हो चुका है, कंप्लीट एडिट हो चुका है। ये देखिए, पहले ऐसे दिखता था, अब ऐसे दिखता है। अब बारी है ऊपर जो ब्रोकन लिखा हुआ था उसका, तो उसके लिए यहाँ ऊपर शेयर पे जाएंगे। शेयर पे जाने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट एज, इस पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट एज में क्लिक करने के बाद कस्टमाइज में क्लिक करेंगे। कस्टमाइज में हमने ब्रोकन पहले से लिख के रखा हुआ है,
देखिए यहाँ ब्रोकन आप लोग भी लिख लीजिएगा, लोकेशन अच्छा से एडजस्ट कर लीजिएगा और बैक आकर यहाँ से सही कर देंगे। ये हमारी फोटो एक्सपोर्ट हो रही है, ये हमारी फोटो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो आइए गैलरी से देख लेते हैं कि फोटो कैसे एक्सपोर्ट हुई है। तो गैलरी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए पिक पहले ऐसा दिखता था, अब ऐसा हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही एडिटिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।